आज दखल के इस कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त टीम आई हुई है और निसंदेह रूप से सबने एक से एक बढ़िया बात कही है, बात जमाई है, सार्थक कर दिया। मैं आध्यात्म की पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। तेरे फोटो को ताक लेते हैं, क्या बात है, तेरे फोटो को ताक लेते हैं, तेरी आंखों में झांक लेते हैं, तेरे फोटो को ताक लेते हैं, तेरी आंखों में झांक लेते हैं, तेरे अधरों को चूम लेते हैं, तेरी जन्नत में झूम लेते हैं, तेरे अधरों को चूम लेते हैं, तेरी जन्नत में झूम लेते हैं। आइए कुछ इस तरह से बात करें। शंकर दीक्षित ने बहुत बढ़िया एक बात कही थी, उसको मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं कि इस होली कल्लू, इस होली कल्लू नौकर के भाग्य कुछ ऐसे जागे, कल्लू नौकर के भाग्य, हाँ, इस होली कल्लू नौकर के भाग्य कुछ ऐसे जागे, छह बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भागे। इस होली कल्लू नौकर के भाग्य कुछ ऐसे जागे, छह बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भागे, ओ भाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया, भाई साहब की, भाई साहब की, भाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया, कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया लाके, कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया। रंग में तो ऐसा ही होता है। कभी हमने भारत सरकार के कहने पर, जब यहाँ एक राज्यपाल महिला हो के आई थी, तो उस समय आकाशवाणी ने कहा कि आपको एक हास्य का गीत प्रस्तुत करना है, एक तरफ लड़के बैठे होंगे, एक तरफ लड़कियां बैठी होंगी, लड़के के हाथ में पिचकारी होगी, वो लड़कियां कुछ कह रही होंगी, नहीं नहीं, नहीं। उसका एक छोटा सा अंश, ओ गोरी हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, ये लड़के कह रहे हैं। अब बेचारी लड़कियां कह रही हैं, हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, मौसम बड़ा खराब चल रहा, हो जाएगी ठंड, हम डारेंगे आज हमारी चलेगी मर्जी, लड़के कह रहा आज हमारी चलेगी मर्जी, वो कह रहे देखो हो जाएगी सर्दी, आज हमारी चलेगी मर्जी, देखो हो जाएगी सर्दी, हम तुमको गोली हिला देंगे, गोली खाकर हम बहकेंगे, बिला बजे का डाउट कर दी, बिला बजे का डाउट कर दी, डाल लाएंगे भंग, हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे। एक होली का मजा है, लेकिन होली का मजा अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। अब आपने मुझे बूढ़ा ही बना दिया एकदम, के सबसे बुजुर्ग कभी भी हमारे बीच में बैठे, निसंदेह रूप से बैठे तो है ये तो, और ये भी सही बात है कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी है, रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है, और ये भी सच है, ये भी सच है, हम बूढ़े हैं आपकी भी मजबूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। असल में क्या है कि ये तो मंच की वो कवित्री भी हैं, एंकर भी हैं, इसकी प्रधान संपादक भी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके सामने पानी भरते हैं जब ये साक्षात्कार लेती हैं, हम तो छोटे से लोग हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है, अभी कम सिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना, अभी कम सिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना, कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है, कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है।
आजकल क्या है कि मुझसे कई बड़े बड़े पत्रकारों ने होली के ऊपर कुछ नए दोहे या कुछ इस तरह से लिखने को कहा, और अभी पांच जान में छप भी रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको उजागर कर, बिल्कुल ताजे हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं मतलब कि एक दो जगह देख भी लूं, लेकिन ताजे हैं तो लोग आपके ताजे बड़े करारे होते हैं तो यहाँ ताजे और करारे दोनों का मेल है। तो फिर आप इस तरह से लीजिए, छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, व्यंग का मजा लेना, छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर। हाँ, छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, और फिल्म बड़ी मशहूर थी, फिल्म बड़ी मशहूर थी, चोर मचाए शोर। आजकल आपने देखी एक एक दो बाबा पहले से हमारे यहाँ है ही 2014 से, और एक और आजकल बाबा बन गया है बड़ी बड़ी दाढ़ी। इसलिए मैंने कहा कि छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, फिल्म बड़ी मशहूर थी, चोर मचाए शोर, और भारत में है नेत्रियां, भारत में है नेत्रियां गिनती की कुल तीन। अब शंकर दीक्षित ने पूछा था मुझसे कि गिनती की कुल तीन कौन, मैंने कहा नेत्रियां, अभी नेत्रिया की बात नहीं हो रही है ना, कवित्री की बात हो रही है, अभी तो नेत्रियों की बात हो रही है। भारत में है नेत्रियां गिनती की कुल तीन, उनमें दो संगीन है, उनमें दो संगीन मगर एक रंगीन। क्या बात है, दो संगीन एक रंगीन। हाँ, तो ये क्या, ये तो बताओ मैं क्यों बताऊं, क्योंकि वो सीमा प्रांत हैं, लगते हैं भाई हमारे, हम क्यों कहें कि महबूबा है या ममता के, क्यों कहें जरूर मतलब बताइए 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 कि इनकी महबूबा है कि इनकी ममता है, बताइए। और फिर एक रंगीन ना, सबको मालूम है कि उससे अच्छे कोई है ही नहीं राजनीति, प्रियंका बार बार क्यों खेलवा रहे भाई सवाल ये, सियार फिर से तन रहे, सियार फिर से तन रहे, शेर बने हैं दीन, सियार सियार फिर से तन रहे, शेर बने हैं दीन, जयचंद जाफर मान सिंह गिनती के थे तीन, ये बोल जाफर मान सिंह, और 370 क्या हटी। इस हकीकत को भी केवल मीडिया के माध्यम से और इस ऐसे पवित्र मंच के माध्यम से जो काट छाट नहीं करता, सीधे सीधे दिखाता है, ये व्यंग का मजा लेना आप कि 370 क्या हटी, 370 क्या हटी रोए बेटा बाप, 370 क्या हटी रोए बेटा बाप, और खुद के कपड़े फाड़ कर, खुद के कपड़े फाड़ कर खाला करे प्रणाम, खाला करे प्रणाम। और एक और व्यंग का मजा लीजिए कि मंदिर के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाएं, मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाएं, हम दोनों भाई बहन, हम दोनों भाई बहन केवल घंटा हिलाएं, हम दोनों भाई बहन केवल घंटा बजाएं, बदलो लुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम, बदलो लुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम, और बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगाम, बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगाम, कौन खेचे लगाम। एक और बात कि वे भी हमको आजकल देती हैं चेले, हमको आजकल, ये बहुत बड़ी बात है साहब, इसलिए बताना भी पड़ेगा, ये तो बताना ही पड़ेगा कि जैसे ही यूपी के चुनाव आए तो यूपी के चुनाव में एक बहुत तेजी से एक महिला उभरी, और उसने जो कुछ करना था, तो एक जागरूक पत्रकार ने, हमारे उपाध्याय जी से जैसे जागरूक पत्रकार ने योगी जी से पूछा कि अब तो वो महिला भी आ गई है, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और बहुत तेजी से बढ़कर आई है। तो उनके भोपाल का वो कवि ने कह दिया है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना, और ये कह के वो चले गए। अब वो बेचारा पत्रकार बड़ा परेशान हो गया, कौन है यार भोपाल का कवि। रात के 3 बजे उस पत्रकार ने मुझे फोन किया कि दादा आप ही ने कुछ कहा होगा, कुछ कह गए क्या आप इधर, मैं हाँ कह तो गए थे, क्या किए गए थे, तो मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा था कि वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज,
वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस, मोबाइल में जिनके मुद्दा विहीन पार्टी, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस, और एक दो और यूनिवर्सिटी हजार हैं, तीन मगर विकराल। क्या क्या हो जाता कभी कभी, यूनिवर्सिटी हजार है, तीन मगर विकराल, पैदा होते जहां पर हरे जहरीले लाल। एक पत्रकार ने कहा, नहीं आपने दो रंग का तो जिक्र कर दिया, हरे और लाल का, हम भी समझ गए कि आपका इशारा सिम टाइप की स्टूडेंट यूनियन हो सकती है, लाल का मतलब हो सकता है नेक्स्ट लाइट, मगर ये जहरीला क्या होता है, ये तो हमने रंग नहीं देखा। और ऐसा करके तो मेरे इस शेर को, मेरे इस दोहे को ही सुधार गया। मैं कहा, अरे सुन वो तो सुधार ही गया, सब जहरीले का हटा के क्या लिख गया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी हजार हैं, तीन मगर विकराल, यूनिवर्सिटी हजार हैं, तीन मगर विकराल, पैदा होते जहां पर हरे भगुआ लाल। यार भगुआ लेके चले, कहले विद्यार्थी परिषद भी तो होती है, बताइए कहाँ जोड़ा उसने, कहाँ से कहाँ, एक बोतल में एक फ्री, अब इसको कैसे छोड़ दें अपन, गालिब साहब का राज चल रहा है इस समय, एक बोतल में एक फ्री, गालिब साहब का राज, और फोकट ये सब खुश हुए दिल्ली में सरताज। लोग बाग जब केजरीवाल पे कहते हैं कि तो गलत नहीं कहते, आरोप लगाते हैं तो गलत नहीं आरोप लगाते, इसलिए मैंने कह दिया, वरना बेचारे वो बंद पड़े हुए हैं अपने शिक्षा मंत्री, शिक्षा के संग आपकारी, यही एक संताप, सुबह सुबह तो पुण्य मिले, रात में पाप ही पाप, रात में पाप ही पाप, और बना रहे मजबूत बांध। लोग कहते सब सबकी बात कर रहे हो, आप मोदी जी के लिए भी तो कुछ कहिए, देखिए वो विकास की कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। मैं क्या, हाँ हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, तो कहने लगे अब होली पे तो कुछ कह दीजिए। तो फिर हमने कहा, बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत, बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत, और एक तगारी सीमेंट में 20 तगारी रेत, एक तगारी सीमेंट में 20 तगारी रेत, और जनता जिसकी माई बाप, तब तक उसमें प्राण रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान, रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान। मैं तो विकास की बात करता हूं, और नीरज जी को एक बार मैं मंच का संचालन करते हुए इन पंक्तियों से मैंने बुला लिया, और नीरज जी ने कहा, ये क्या करता है यार, और मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा, गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई। अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा, गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई। प्रश्न सुनते ही गुरु आग बबूला हो गए, बोले धूमकेतु, तुम्हारे इस प्रश्न से लगता है तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी बहुत भारी है, तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी बहुत भारी है, भैये विकास कार्य आज भी जारी है। तो नीरज जी की इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो है सिग्नेचर, उनके दस्तखत, उनके हस्ताक्षर लेने के लिए महिलाएं पहुंचती थी, तो इसलिए वो मैंने बात कही। आइए कुछ मैं इस तरह से भी बात करना चाहता हूं, आपने महिला वर्ष की बात करी है, तो मैं एक तो कहता हूं कि आपने जो मंच का संचालन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात, शुक्रिया। हाँ, उसका कारण ये कि इसलिए कभी मैंने कहा भी है ये वाली बात कि ये जो चहके तो गुलफिशानी है, फूल खिलने को कहते हैं गुलफिशानी, ये जो चहके तो गुलफिशानी है, ये जो महके तो रात रानी है, ये जो चहके तो गुलफिशानी है, ये जो महके तो रात रानी है, ये जो बहके तो हसीन गुना, और मुस्कुराए तो बस जवानी है, मुस्कुराए तो बस जवानी है। लेकिन 8 तारीख है आज, और आज अगर हमने महिला की बात नहीं की तो ये मंच एक तरह से अधूरा रह जाएगा। मैं अपने जीवन की एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिस पर मेरी किताब भी है, अभी तक मेरी 6 किताबें आई हैं,
तो आइए यहां से बात शुरू करता हूं। पुरानी जरूर है और 25 साल के बाद मैं सुना रहा हूं, क्योंकि आज आपने कहा तो मेरा मन हो रहा है कि सुना दूं। अगर कहीं भूल भाल भी जाऊं तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करता हूं। लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन, हमारे ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया, लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन, हमारे ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया। जैसे जैसे कॉलेज नजदीक आता था, हमारा दिल बुलेट एक्सप्रेस की तरह 200 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां छोड़ छोड़ कर उस ओर जाता था। हम उनके मुख्य द्वार में बजरंग बली की जय के उस घोष के साथ अंदर घुसे। लड़कियों का महासमुद्र देखकर जिस प्रकार इमरजेंसी माई के सामने चौवे पंजे छक्के फ्लेट हो जाते थे, उसी प्रकार से गिर पड़े। मक्खन जीन चंपा जी चहकी, गुलबदन चमेली जी चुलबुलाई, ताराबाई सेंडो की डुप्लीकेट कॉपी कुमुद जी ने कंधा मारा और मैडम रात रानी के मखमली आगोश में हमने होश संभाला। वहां में धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे। ऐसे 40 साल पुरानी रचना है। वो हमें धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे। ऐसे 40 साल के वैवाहिक जीवन में 2 बार तलाक दे देने के बाद भी कांग्रेस कुर्सी से चिपकना चाहती है। जैसे हमें उनकी गोद में मीठे मीठे सपना, व्यंग का मजा लेना, हमें उनकी गोद में मीठे मीठे स्वप्न आ रहे थे। और एक स्वप्न तो आज तक याद है, जिसमें जंतर सर्कस का शेर और इमरजेंसी माई एक प्लेट में हिंदुस्तान को रखकर हलवे की तरह खा रहे थे। एक चरण सिंह और इंदिरा गांधी एक प्लेट में हिंदुस्तान को रखकर खा रहे थे। आगे एक लड़की ने हमारे पैरों को पकड़ा, 3-4 ने जोर से जकड़ा, हमने पैर फड़फड़ाए, हाथ जोर जोर से हिलाए, लड़की के हाथ से पैर तो छूट गया, पेंट पकड़ा गया। उस मैं उसके इस कृत्य से शर्म के मारे जमीन में गड़ गया। मुझे लगा जैसे जनता पार्टी का भारी बहुमत बेचारी एक अखिल भारतीय संस्था के ऊपर चढ़ गया। लड़कियों और मेरे बीच होने लगी थी खिंचाई, दोनों ओर से मैदान जीतने की ओर। मैंने सारी हेकड़ी को छोड़ आधुनिक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा, प्रभु वाजपेयी जी द्वापुर में आपने कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज बचाई, कलयुग में अपने द्रोपता को बचाओ, कलयुग में अपने द्रोपता को बचाओ। लड़कियां बोली अब ज्यादा आंख मत मटकाओ। मैंने कहा प्रभु वाजपेयी जी मेरी रक्षा करो। लड़कियां बोली अभी वो स्वयं अपनी रक्षा करने में व्यस्त हैं, उन पे भरोसा मत करो। फिर एक लड़की बोली बोल क्या सुनाएगा। मैंने कहा आप मेरे स्वाभिमान से खेल रही हैं, ये बंबई का चकल्ला थोड़ी है, ये बंबई की चकल्ला थोड़ी है। जहां पहले कविता सुनाए जूरी से जचवाएं, उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे ही चलेगा और वही जमेगा जो श्रृंगार पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील के उस पार करते बिहार, दूधिया चितवन नैनों के बाण प्यासे अधर भोए कमान, उबरे उरोज सुर्ख कपोल नागिन से जुल्फे मिश्री से बोल, सावन के झूले संध्या के कूले जिन्हें आज तक नहीं भूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, सरगम और थाप चेहरा शबाब शराब और सुराई, लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, तुझे हम पर नग्न कविताएं सुनाने में शर्म नहीं आई, बोल कौन सी कविता सुनाएगा। मैंने कहा एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील के उस पार करते बिहार, दूधिया चितवन नैनों के बाण प्यासे अधर भोए कमान, उभरे रोज सुर्ख कपोल नागिन से झुलसे मिश्री से झूल, सावन के झूले संध्या के कूले जिन्हें आज तक नहीं भूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, सरगम और थाप चेहरा शबाब शराब और सुराई, लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की ओर की औलाद, तुझे हम पर नग्न कविता सुनाने में शर्म नहीं आई। अरे हम होंगे किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बहन, हम होंगे किसी की माँ, किसी की बहन,
किसी की बहन अनादिकाल से तुम पुरुषों के अन्यायों को करते रहे सहन, गंदली राजनीति से प्रगतिशील साहित्य तक, चकला घरों से सौंदर्य नुमाइश तक, तुम हम तेजस्विताओं के धवल चेहरे पर पोतते रहे कालिक, करते रहे बदनाम, स्वार्थ की मेली चादर पर सुख सुविधाओं की कालीन बिछा, रक्त पिपासुओं तुम्हें सोचता रहा काम, हमारी कोख से जन्म लेने के बाद एहसान फरामोश, हमें समझते हो जिंदा लाश, चांदी के चंद टुकड़ों पर खरीद रहे हो गरीबों के पेटों की आग, बेसहारा मजबूर अविकसित झुग्गी झोपड़ियों की बेटियों पर कर रहे हो घात, कभी सम्मेलन में इसी प्रकार का घोर दिगंबरी श्रृंगार पड़ेगा तो साहित्य के कौन समाज की सेवा क्या इसी प्रकार से करेगा, क्या तुम सीता मरियम का त्याग, पन्ना हाड़ी का स्वाग, पद्मनी का जोहर, मीरा का उत्सर्ग, चांद बीबी रोशन आरा, दुर्गावती की बहादुरी, महादेवी का काव्य, अहिल्या का न्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान की शत्रुओं को हुंकार, लेकिन अफसोस तुम्हें सूझता है सुरा सुराई, नायिका की कमर और भूडा श्रृंगार, अतीत से करते हो घृणा, ऐतिहासिक कविताएं सुनाने में शर्माते हो, श्रृंगार दलदली जमीन पर कवि सम्मेलन के फुसफुसे महल को उठाते हो, आखिर ये नाटक नौटंकी कब तक चलेगा, और जिस राष्ट्र का वर्तमान सुरा सुराई की बेसाखियों पर खड़ा हो उस राष्ट्र का भविष्य क्या खाक बनेगा, अरे मेरे देश को बचाओ, मेरे साहित्य को बचाओ, मेरी ललनाओं के स्वाभिमान को बचाओ, मेरी महिलाओं के सौभाग्य को बचाओ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।